एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव शिवी। सो आप लोगों के लिए मैं फिर से लेके आ गई हूँ डीआईवाई आइडियाज। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट डीआईवाई की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कार्डबोर्ड के पीसेस और मैंने इनको डिफरेंट शेप में कट भी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे स्टार, मून, हाफ मून ऐसे शेप में कट करा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्लैक एक्रिलिक कलर। तो आप ये कलर वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, और जो वो आती ना मार्केट में ग्लिटर शीट सिल्वर कलर वाली, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देंगी अगर आप वो वाला यूज़ करोगे। तो मैं सोच रही थी पहले कि वो बनाऊँ, पर फिर मैंने सोचा कलर ही कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो टसल्स बनाए हुए हैं, तो सबको मैं एक साथ यहाँ पे अरेंज करूँगी ब्लैक धागे के साथ। और यहाँ पे आप कार्डबोर्ड की जगह पे शादी का कार्ड जो होते हैं थिक वाले, आजकल तो सभी घर में शादी के कार्ड होंगे, तो उसको यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। और मैंने अभी इन सबको यहाँ पे धागे के साथ अरेंज कर दिया है, और ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैंने शेयर करे हुए हैं आपके साथ। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये केक वाली ट्रे ली है, मतलब जिसमें केक आता है, तो वो लिया है मैंने। इसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कलर करने के बाद मैंने यहाँ पे ये मेडिसिन के रैपर लिए हुए हैं। तो जो मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ऐसी रैपर इसके संभाल के रखे हुए थे। तो जो इसके साइड के होते हैं वो पार्ट मैंने कट कर लिया था, और केवल जो बीच का होता है उसको रखा हुआ था मैंने। तो सब मैंने यहाँ पे अभी पूरे कट कर लिए हैं। कुछ छोटे मेडिसिन के थे, कुछ बड़े थे, तो मैंने सबको एक साथ कट कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर टाइप कुछ बना रही हूँ बीच में डिज़ाइन। सो बीच में मैंने यहाँ पे छोटे वाले जो मेडिसिन थे उनका जो रैपर थे उनका यूज़ करा है, और साइड में मैं बॉर्डर के लिए बड़ी मेडिसिन के रैपर का यूज़ कर रही हूँ। और ये हो चुका है एकदम बनके रेडी। अब हमें इस पर बस कलर करना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, या फिर मैं आपके लिए आगे कौन सी वीडियोस बना के लाऊं, या फिर मेरी वीडियोस में कोई गलती रहती है तो आप प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और DIY के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये पुराने ढक्कन, और जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं घर में, कंटेनर वगैरह तो सभी के घर में रहते होंगे। सो मेरे घर में भी थे, तो मम्मी ने उन सब में जो पुराने हो चुके, तो मम्मी ने उन सब में पीछे कुकर की सीटी बज गई, प्लीज़ अवॉइड कर देना। मम्मी ने उन सब में प्लांट्स लगा दिए थे, तो ढक्कन तो ऐसे वेस्ट पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसी का कुछ बना देते हैं। और मैंने यहाँ पे दो दिवाली के पुराने दिए बचे हुए थे, उसका यूज़ करा है, जिससे कि मैं बना रही हूँ आइस। सो इससे पहले भी मैंने दिया रीयूज़ का एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके ज़रूर देखना, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हमारा बन चुका है उल्लू, जिसकी नाक और पंजे बनाने के लिए मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया हुआ है, और इसकी आंखें बनाने मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, बाय गॉड बड़ा मस्त लग रहा था। और आपके घर में आपको उल्लू बुलाता है कि नहीं बुलाता? कोई ज़रूर बुलाता होगा, मुझे पता है।